हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्रीम वर्क में जो एक मेन टर्म है दैट इज़ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होती, और हालांकि ये जो है अपने आप में सस्पेंस भी क्रिएट करती है। हाँ, बट फिर भी जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको समझा सकती हूँ उस ट्रेनिंग के लिए, वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो इजी टेक्निक है ट्रेनिंग के लिए, जो हम बिल्कुल सेफ हैंड में खेलते हैं, तो वो ये है कि आप जो है आपकी जो भी आईडीज़ हैं जिनको आप ट्रेन करना चाहते हैं, है ना, वो रखते हैं। आप पहले सबसे पहले जो है आप ट्रेन पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए कि आपके पास कौन सा व्हील है ना। ये कम से कम 5 टाइप्स के व्हील जो है रहते ही हैं, उसमें से कौन सा व्हील आ रहा है, और उसमें देखिए कि आप कितने लॉस में हैं और कितना फ़ायदे में हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि 80%, 90% है ना, और मैक्सिमम जो है 120% है। तो इसमें जो है 50-50 के चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। पॉजिटिव आ गए तो 20% या 10% का फ़ायदा होगा, या फिर 100% पे न्यूट्रल रहेंगे, या फिर 80% 90% उसमें 10% आपका और 20% लॉस रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को सोच कर जो है ट्रेनिंग करी जाती है। अब यदि अभी या तो मेरी फैमिली में मैं खेल नहीं रही, तो जो आईडीज़ हैं वो बहुत पीछे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो मैं चाहूँ तो छोटी आईडी पर जो है ट्राई भी कर सकती हूँ। बट अभी जो है आप लोग जो है बहुत आगे स्टेज में पहुँच गए होंगे, होप सो। तो यदि ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बता देती हूँ। तो अभी देखिए, ये जैसे साइन सिंगर आ गया, तो आप आपकी फ्रेंड, यदि लिस्ट अच्छी है, आपकी म्यूचुअल फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो आप फ्रेंड में जाकर भी जो चीज़ें हैं ये चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं मिले आपको तो आप अदर्स में जाकर भी, नीचे आप थोड़ा फैमिली में जाकर जो है आप अदर्स में से भी आईडीज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल फ्रेंड में जाकर कर रही हूँ, तो जो भी कम वर्थ वाली आईडीज़ हैं वो मैं उठा सकती हूँ, है ना। जैसे ये राधे वाली आईडी है ना, और नीचे जाके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये राहुल जी की आईडी 1814, ठीक है, ये हार्ट स्ट्रेचर। तो इस तरीके से जो है आपको 3-4 आईडीज़ ले लेना है। ठीक है, और ये आईडीज़ आपने ले ली, तो ये मैंने इतनी आईडीज़ ले ली। अब ये हो गए 10 आईडीज़ मेरी हो चुकी हैं। अब इसको ट्रेन करना, तो एक बार वापस बैक जाके फिर से एंटर होती हूँ ड्रीम वर्क में। अब देखिए, ये जो आईडी ट्रेन करनी है, तो अभी ये छोटी आईडीज़ हैं, यदि इनको हम ट्रेन करते हैं और उनका लॉस होता भी है तो उन आईडीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खेल ही नहीं रही हैं ड्रीम वर्क। तो सबसे पहला रूल ये ध्यान रखिए कि किसी को नुकसान ना दें। यदि आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप या तो आपकी खुद की ही आईडीज़ को करें, या फिर आपके ऐसे म्यूचुअल फॉलोअर्स को करें जो एग्री हों आपसे ट्रेनिंग करवाने के लिए। और जब तक आप श्योर ना हो कि आप पॉजिटिव ट्रेनिंग उनको देंगे, तब तक किसी और की आईडीज़ को ट्रेन ना करें, यही मेरी सलाह है आपको। ओके, अब जैसे ये ट्रेन करना है, तो मैंने इसको फ्री ट्रेनिंग को क्लिक किया। तो ये देखिए, न्यूट्रल हुआ, 100 पे आ गया, मतलब ना तो वर्थ कम हुई ना ज़्यादा हुई। अब जो है, एक आईडी को जब हम एक बार ट्रेन कर चुके हैं, तो दूसरी बार यदि हम उसको ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, तो वो ट्रेनिंग जो है फ्री नहीं होती है, है ना। वो ट्रेनिंग जब होती है तो वो 100 कॉइन्स का हमको एक कार्ड खरीदना होता है, तब वो ट्रेनिंग होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल इसको नहीं करेंगे, हम दूसरी आईडी पर जाते हैं। तो अब इसको ट्रेन करते हैं, तो अब आप देखो, अब ये जो है ये वाला व्हील आया, अब आप देख रहे हो कि इसमें जो है थोड़ा कम लॉस है, मतलब या तो 5% का लॉस होगा, 95% आ गया तो 5% का लॉस होगा, 90% आ गया तो 10% का होगा, और यदि बाय द वे बढ़ गया तो वही 5 और 10% का जो है फायदा होगा, अदरवाइज न्यूट्रल आएगा। तो यदि इस केस में आप किसी आईडी को, अपनी ही आईडी को करना चाहें, तो जरूर करना चाहिए आपको, है ना। तो जैसे मैं ज्यादा बड़ी आईडी, अभी तो आईडीज मेरी बड़ी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि ज्यादा बड़ा आईडी पर ट्राई नहीं करती, बट हाँ कोई छोटी मोटी आईडीज को हम जो है ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैंने इस आईडी को ट्रेन करती हूँ, ओके। तो अभी इस आईडी को मैंने ट्रेन किया, वो जो पिछला था वो हमारा न्यूट्रल गया है, तो अभी जो है हो सकता है पॉजिटिव जाए या फिर हो सकता है नेगेटिव जाए, वो चेन पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो है खेल नहीं रही हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए, तो आप देखिए फिर से जो है न्यूट्रल आ गया, है ना। तो फिर से न्यूट्रल आ गया, मतलब ये दो आईडीज़ जो है ट्रेन हो चुकी हैं। अब तीसरी आईडी पर एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा टूल है। अब आप देख रहे हो इसमें 80%, 90% और ये दिख रहा है। तो इस वाले जो केस में है ना, देखिए आपको यदि लॉस होगा, यदि आप आपकी बड़ी कोई आईडी कर रहे हैं तो लॉस होगा, तो सीधे 20% का लॉस होगा। तो ये सब सोच के समझ कर आपको करना चाहिए। और अभी आपने दो आईडीज़ का देखा कि दो आईडीज़ न्यूट्रल पर गई हैं, है ना। तो चांसेस बनते हैं न्यूट्रल के बाद कि नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, है ना। कंटिन्यूसली
कंटिन्यूसली नेगेटिव के भी जो केसेस आते हैं, कंटिन्यूसली पॉजिटिव के केसेस भी आते हैं, बट अभी दो न्यूट्रल हो चुके हैं तो फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अभी मैं अपनी इस आईडी पर ट्राई करने की बजाय जो मैंने आईडीज छोटी ले रखी थी उनको ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्री ट्रेनिंग करी। तो अब देखिए ये तीसरी बार जो है न्यूट्रल आ चुका है ना, ये 100% हो गया है। तो अब जो है ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टूल क्या है। अब नेक्स्ट हमारा टूल है ये 70% वाला, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बहुत काम का टूल होता है, क्योंकि ये चीज़ देखिए अभी हमारे पास तीन न्यूट्रल गए हैं, है ना। तो 100% पे जो हमारा गया है तो अभी चांसेस बनते हैं कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसमें नेगेटिव के केस में तो हमारा बहुत बड़ा लॉस रहता है, क्योंकि 30% हमारा जाता है। बट हाँ, यदि हमारा पॉजिटिव जाता है तो हमको 15% का फ़ायदा भी हो सकता है, 10% का या 5% का, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगी बहुत बड़ी आईडी पर रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि यदि पहले तीन न्यूट्रल गए हैं, ठीक है, बट फिर भी छोटी आईडी पर हम ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत छोटी आईडी पर ट्राई करने के बजाय अपनी ही किसी आईडी पर ट्राई करके ओके। तो अभी ये वाली आईडी तो हो चुकी थी, अब इस वाली आईडी को ट्रेन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फ्री ट्रेनिंग किया। तो आप देख रहे हैं कि देखिए ये बढ़ गया है, तीन न्यूट्रल के बाद जो है पॉजिटिव आया है, और इस तरीके से जो है ये वाली आईडी हमारी पॉजिटिव ट्रेन हो चुकी है और 10% जो है इसकी वर्थ बढ़ चुकी है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो है ट्रेनिंग के लिए सोचना है और कैसे सोचना पड़ता है। आप देखिए दोबारा ये टूल आया है, है ना। तो अभी तीन न्यूट्रल गए हैं और उसके बाद ये वाला टूल आने के बाद फिर से ये टूल आया है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि या तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो गया, तो ये 70% हमको देके जाएगा, मतलब 30% हमको कम करके चला जाएगा। तो इसके लिए भी मेरी सलाह ये है, देखिए तीन न्यूट्रल पहले आ चुके हैं तो ये भी हो सकता है कि ये भी जो है पॉजिटिव चला जाए। तो यदि ऐसे चांसेस हैं तो आप यदि थोड़ा रिस्क लेना चाहें अपनी आईडी पर, तो मैं कहूँगी कि कोई मीडियम वाली जो आईडी हो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं, है ना। तो मेरी मीडियम वाली आईडी ये है, तो मैं एक बार इसको ट्राई कर लेती हूँ कि देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, ओके। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि फिर से जो है ये पॉजिटिव गया और फिर से जो है आईडी अप हो गई है, उसकी वर्थ बढ़ गई है। तो आपको ये जो केसेस हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट केस भी जो है एक बार देख लेते हैं आप कौन सा केस आ रहा है। तो अब देखिए ये वाला जो टूल आया है जिसमें हमारा मैक्सिमम होता है 200% और मिनिमम जो जा रहा है वो मिनिमम जा रहा है 50%, 60%, 80% और 95%। तो इस केस में मैं कहूँगी कि रिस्क लेने से पहले बहुत कुछ सोचिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि पहले तीन न्यूट्रल गए उसके बाद दो पॉजिटिव गए, तो अब ब्राइट चांसेस हैं कि ये नेगेटिव जाए, है ना। एक जो कुछ परसेंटेज का चांसेस ये है कि पॉजिटिव जा सकता है, बट ये नेगेटिव जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस केस में जो है कभी भी रिस्क ना लें, और कभी दूसरे की आईडी पर तो रिस्क भूल से भी ना लें आप। इसके लिए मैं जो है अभी एक छोटी सी आईडी को ट्रेन कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ट्रेन कर रही हूँ। तो ये देखिए 80% हो गई, दैट मीन्स 20% का जो है लॉस हो चुका है। तो ये जो आपको होप केसेस समझ में आए होंगे कि किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव को सोचकर जो है आप बिल्कुल अपनी आईडीज़ को ट्रेन कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि अपनी ही आईडी पर ट्राई कीजिए, दूसरों की आईडी का नुकसान ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी फैमिलीज़ में सिर्फ अपनी फैमिली को अप करने के लिए दूसरी छोटी फैमिलीज़ के लोगों को साइन करके तुरंत उनको नेगेटिव ट्रेन करके और उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत गलत है और ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्रीम वर्क में जो बहुत मेहनत से जो है आगे आती हैं और छोटी फैमिलीज जो बहुत मेहनत करती हैं अपनी फैमिली का लेवल इंक्रीज करने के लिए, तो ऐसा भूल से भी ना करें कि नेगेटिव ट्रेन आपको यदि करना ही है तो जिस तरीके से मैंने छोटी आईडीज़ ली हुई हैं उसी तरीके से आप लोग भी लेकर जो है नेगेटिव ट्रेन कर सकते हैं और अपनी फैमिली की आईडीज़ को पॉजिटिव ट्रेन कर सकते हैं। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और ट्रेन के लिए आप देखिए फिर से टूल यही वाला आया है 200% वाला। तो अभी यही छोटी आईडीज को ही ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए 50% हो जाती है। तो कोई भी बड़ी आईडी को ट्रेन करने से पहले जो है बहुत सोचना चाहिए, और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है केसेस रहते हैं। कई बार क्या होता है नेगेटिव की चेन बन जाती है, कई बार 5 से 6 बार कंटिन्यूटी में नेगेटिव ट्रेनिंग जो है हो जाती है, व्हील जो आता है वो नेगेटिव वाला आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए जब आप ट्रेन करते रहेंगे रेगुलरली अपनी आईडीज़ को। यदि आप ट्रेन करते हैं रेगुलरली मेरी बताई गई मेथड से, तो डेफिनेटली आपको उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि किस तरीके के टूल के बाद जो है आपको सोचना है और
कितने नेगेटिव आने के बाद पॉजिटिव आने के चांसेस ब्राइट होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, है ना। इसके अलावा भी कुछ एक चीज़ें हैं जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है बता सकती हूँ, तो डेफिनेटली वो नए वीडियोज़ में, आगे आने वाले वीडियोज़ में बताने की कोशिश, और आप में से जो भी व्यूअर्स जो है ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हैं तो ज़रूर अपने टिप्स दीजिए, मैं आपके नाम के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके टिप्स लेकर आऊँगी। तो वो फ्रेंड्स अभी आपको जो है फिलहाल ये ट्रेनिंग का सिस्टम जो है समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।